यूएई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है, इसके बारे में है? यूएई में मंदिर सुना था मैंने, ये सुना था ना सर, उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दुनिया के 30 बड़े मुल्कों से वहाँ के शहरी उसकी तामीर को विजिट करने जा रहे हैं, उसके अंदर टेम्पल्स रखे गए हैं, मूर्तियों को देखने जा रहे हैं और देख कर बड़ी तारीफें कर रहे हैं। क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान का कल्चर, इंडियंस का कल्चर, हिंदुओं का कल्चर सऊदीया जैसी और हमारे यूएई जैसी इस्लामिक कंट्री प्रमोट कर रही हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर वहाँ पे इंडियंस रहते हैं तो हमारे यहाँ भी इंडियंस हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी मंदिर हैं हिंदू, मतलब हिंदू, तो यहाँ पर भी हमारे हिंदू भी रहते हैं, तो उनके लिए अगर यहाँ पे मंदिर हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, वो उनकी इबादत गाह है, वो वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है। आप कराची से हैं, कराची के अंदर हिंदू रहते हैं? जी रहते हैं। आप कभी मिले हिंदू से? कराची में तो नहीं मिला मैं, हाँ आउट ऑफ कंट्री में मिला हूँ। सही। आपको लगता है कि जो जो हिंदू रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं वो फुल सेफ एंड साउंड है, उनको उस किस्म की रिलीजन की आज़ादी है? जो शहरों में रहते हैं वो तो सेफ हैं, उनको तो मैं कह सकता हूँ, बाकी जो गाँव में, देहात में, जो ऐसे इलाकों में, उनके बारे में हम न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं, उनके बारे में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पे, वो भी हमें मतलब ऐसा नहीं है, न्यूज़ वगैरह में हम सुनते रहते हैं उनके बारे में। इसके अलावा क्या समझते हैं आपके, आप एज आप मुस्लिम, आपको यहाँ पर पूरी फ्रीडम है, हर बात कर सकते हैं, हर खुल के बात कर सकते हैं, क्या हिंदू यहाँ पर खड़े होकर हमारे पॉलिटिशियन के बारे में कुछ गलत बोले या इंडिया की तारीफ करे तो वो नॉर्मल चीज़ रहती है? अगर वो ठीक कह रहे हैं तो बोलना चाहिए। अगर बोल सकते हैं, बोलना बोल सकते हैं, क्या बोलने की आज़ादी है? नहीं, अगर वो दीन के लिहाज से आएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी अगर सियासत पे बात करनी है करें। अच्छा। और माहौल पे बात करनी है वो करें। सर हमारे इधर एक मंदिर बनने जा रहा था कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद के अंदर, जिसके ऊपर सिग्नेचर भी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई बनने दो, क्या समझते हैं कि क्या मंदिर बनने से हमारे दीन को खतरा था, क्या मंदिर बनने से हमारे ईमान को खतरा था, क्या वजूहत है, क्यों नहीं बनने दिया? उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इस किस्म की कि वो जहाँ पे बन रहा है ना वो जगह के बारे में कुछ मतलब मसाइल थे, उसके जो जगह उनको मंदिर के लिए दी गई थी शायद उसके बारे में कुछ वो प्रॉब्लम्स थी, अदरवाइज मतलब जहाँ पर मस्जिद है ज़ाहिर है बराबर में मंदिर नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक नहीं है ये, बाकी आप और थोड़ा सा कहीं आगे पीछे कहीं फासला है। पाकिस्तान में ठीक नहीं है, आप हिंदुस्तान में जाएं या वहाँ पर आपको तकरीबन 3,000 से ज़्यादा मस्जिदें मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर आपको 3,000 से ज़्यादा मस्जिद मिलेंगी। सर वहाँ पर मस्जिद भी है, मस्जिद भी एक जगह पर है, मंदिर भी एक जगह पर, उन लोगों के लिए मसला कोई नहीं है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, तशद्दुद हो रहा, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है। सर वो कंट्री वहाँ पर आपको इजाज़त दे रही कि मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बना लो, यहाँ पर हम क्यों नहीं दे सकते इस बात की इजाज़त, और हम कहते भी हम सेकुलर कंट्री है? नहीं देखें, इंतहा पसंदी वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इंतहा पसंदी को तो हम नहीं क्यों कर सकते, वाला प्रमोट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। इंडिया में भी आप देखते होंगे वीडियोस वगैरह आती हैं, हम भी देखते हैं सर, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कट करूँगा, प्रमोट अच्छाई को हमेशा से करना चाहिए, मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मैंने इसके लिए जान देनी है, लेकिन जो हकीकत है, जो सच है, उससे आँखें नहीं बंद कर सकते। एक तरफ एक हकीकत है ना सर, आप इसको तस्लीम करना पड़ेगा, वहाँ पर मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहे हैं, तादाद में कमी नहीं आ रही, इजाफा होता जा रहा है। आप रिसर्च करें मस्जिदों की, जब 1947 में कितनी थी और आज कितनी है, आज तकरीबन कोई अगर नहीं हुई तो 50% मस्जिदों में इजाफा हुआ। आप पाकिस्तान में सर्च कर लेंगे यहाँ पर गुरुद्वारे कितने ज़्यादा बने, मंदिर कितने ज़्यादा बनी है। मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फैक्ट्स पर बात करना पसंद करता हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पर नॉन मुस्लिम वो भी अपने मुल्क की समझे से। क्या समझते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, 47 से अगर आप लेते हैं तो उस वक्त कम था, तो उस वक्त इंडिया में भी कम होगा, और अभी अगर आप इस वक्त को देखते हैं तो जाहिर है वहाँ पे अगर बड़ी हैं तो यहाँ पे भी मंदिर बड़े हैं, यहाँ पे भी मतलब गुरुद्वारे या मतलब ईसाइयत के जो वो होते हैं वो भी यहाँ पे बड़े हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बाकी होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, ये मतलब हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हर इंसान को आज़ादी है उसका अपने मज़हब के बारे में उसमें वो इबादत कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स बाय फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। बाकी उसके अलावा अगर आप लाइटली उसमें हाँ तो अपनी मर्जी से और आपके माहौल को देखते हुए, आपकी अच्छी चीज़ों को देखते हुए अगर वो आते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं होनी। कुरान मजीद में इरशाद है, तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो एवज़ के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहे।
क्या हम इस आयत पे पूरा फॉलो कर रहे हैं? इस बारे में मैं देखो दीनी लिहाज से मैं इतना कोई वो नहीं हूँ, मैंने ये आयत नहीं सुनी, अगर आप कहते हैं तो। ये आयत सुनी नहीं आप, इसके बारे में सर्च करिए नाऊज बिल्ला, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। आप किसी को खुदा को बुरा ना कहो कि अवैस वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे, हमारा तो खुदा सच्चा ही है ना, मानते ना अल्लाह ताला। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका सर? सैयद मोहम्मद इमरान। सैयद साहब माशाल्लाह वेरी नाइस यार, हमारे साथ सैयद साहब मौजूद है। बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है, दुनिया के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात कितनी है दुनिया के बारे में? कुछ है बस, सो है, नॉर्मल है। सही हो, खबरें वगैरह देखते हो? बस कमोबेश कमोबेश। सही हो गया, दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये चीज़, होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मस्जिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मजाहब हैं, तो नहीं होनी चाहिए इस तरह, परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, देखें आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहे होते हैं, मस्जिदों को जला रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। आप फलस्तीन में देख लें, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? फलस्तीन के अंदर कौन है? इस मुसलमान ही है वहाँ पर भी। फलस्तीन के अंदर कौन जुल्म कर रहा है? इसराइल कर रहा है, और कौन कर रहा है सर? वो हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू है ना। हाँ हाँ, तो फलस्तीन के अंदर ज्यूइश है ना, यहूदी हैं, यहूदी हैं वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुसलमानों पर हावी है इस टाइम? हावी बिल्कुल ऐसा ही है, जुल्म के तहत, जुल्म के तहत हावी है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान मजलूम है? बिल्कुल, इस वक्त तो मजलूम है, हर तरफ से दबाया जा रहा है उन्हें। जो यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट भी मुस्लिम है, यहाँ के आवाम भी मुस्लिम है, जो यहाँ पर हो रहा है इसके खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, इस बर्बरियत के खिलाफ दुनिया क्यों नहीं आवाज़ उठाते? देखें जी, ये तो अब आवाज़ लोग उठाएंगे तो उठाई जाएगी ना, अब लोगों को ऐसा मसरूफ कर दिया है कि अपनी ज़िंदगी में मसरूफ है, मतलब इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया कि हर बंदा जो है वो अपनी मसरूफियत में, उसको अपने बच्चों के घर की रोजी रोटी की है कि कहीं से मैं कमा के उनके लिए पूरा करूं, टाइम नहीं है लोगों के पास। एक सवाल यहां पर ये बनता है, यूएई के अंदर, यूएई एक जो है ना वो टूरिस्ट हब मानी जाती है कंट्री, वहां पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा, इंडियन सारे जाकर यूएई बस चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो गए नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो सर यूएई के मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं? मंदिर के अलावा यहाँ पर हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं है, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो प्रेफर उन लोगों को किया जाता है जो एजुकेट है, आईटी में आगे बहुत निकले हैं, ये चीजें, इन चीजों में आगे वो उनको प्रेफर करते हैं। अब यहाँ से मोस्टली लोग जाते हैं तो मेरे ख्याल लेबर तबका जाता है, उनको भी बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, वहाँ पे टफ है उनके लिए। सर आप देख लेना, लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत कंपैरेटिवली कम है इन कंट्रीज से, तो सबसे पहले तो इस पर फोकस होना चाहिए। जब एजुकेशन होगी, आप अंडरस्टैंड कर चाहें सकेंगे चीज़ों को, तो आप आगे बात भी कर सकते हैं ना। सर अभी माने ना माने, हमारी मानी जा रही जितनी इंडिया की मानी जा रही है, इंडिया की ज़्यादा मानी जा रही। क्यों? देखें वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम अभी बहुत पीछे हैं, तरक्की याफ्ता, और हम अभी बहुत पीछे हैं क्योंकि हम अपने ही परेशानियों में घूमे हुए हैं। सर एक सवाल यहाँ पर दूसरा मेरा ये बनता है आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं यूएई, जिस तरह से पाकिस्तान को आज से कुछ 10-20 साल पहले चले जाएं, यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता से तब्दील होकर वो इंडिया हो गया, इंडिया को बड़ा मानते हैं वो। अभी तो देखे ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पर भी चले गए। और बड़ी बात बताऊँ, इस जोन से मंदिर की ओपनिंग के अंदर 30 बड़े कंट्रीज़ के सफारतकारों में से आके विजिट कर रहे हैं मंदिर का भाई, और जाके विजिट करके कह रहे हैं कि तामीर हो रहा है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में? किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमारा क्यों नहीं? आई डोंट नो कि हम क्यों, हमारा क्यों नहीं हो रहा, उनका बेसिकली सोशल मीडिया पे बड़ा, उन्होंने अपने मूवीज़ में इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया हुआ है, हमें टेररिस्ट उन्होंने दिखाया हुआ है, उनकी मूवीज़ देखें हमारी देखें, हमने कभी ऐसी कोई मूवीज़ देखी नहीं कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ बनाई हो, उन्होंने देखें बेशुमार बनाई हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने सोशल मीडिया ये मूवीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को बड़ा प्रेजेंट, गलत प्रेजेंट किया हुआ है। उनके पास पावर है तो कर रहे हैं ना वो गलत प्रेजेंट, अगर पावर भी है और उनको सपोर्ट भी है चीज़ों में, देखें ना उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो पाकिस्तान को अच्छा दिखा दे, बुरा तो बुरा दिखा दे।
क्या नहीं लगता कि आपको अब रिलेशन बेटर कर लेने चाहिए, जहां पर आपको पता चल गया कि एक बहुत ताकतवर है आपसे मुकाबला नहीं हो सकता, वहां पर आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर? मुकाबला तो हो सकता है, डिसीजन होते हैं जो कि हमें बेहतर करने पड़ेंगे अपने, फिर नहीं कह रहा हूँ। चले मुकाबला आप कर भी सकते हैं, लेकिन मुकाबला करके जंगे करके तो कंपटीशन के तौर पर लें तो फिर हम मुकाबला हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, ताकि दोनों कंट्री कंपटीशन होता है तो आप दो कंपटीटर एक दूसरे को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमने कहा किस तरीके से आगे निकलना है एक दूसरे, ठीक है ना। कंपटीशन लगता है कि आपको कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए या फिर ट्रेड कर लेनी चाहिए, सब कुछ भूल के कह देना चाहिए आओ जो यार भाई गलती हो गई आप सब कुछ रवा, पॉजिटिवली हर चीज को लेके चले तो चीजें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है, करनी चाहिए, करनी चाहिए पॉजिटिव। क्या इंडिया के साथ किस चीज की दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी तो वैसे सच कोई नहीं है, एक हमारा और उनका कल्चर डिफरेंट है, और जो दुश्मनी है वो उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। उन्होंने की या हमने की? उन्होंने की हुई, हमने क्या किया? आप जब भी देखें तो उन्होंने की है, या एक तरफ से दुश्मनी तो होती है, कंट्रोल पर अक्सर उनकी गोलाबारी हो रही होती है, यहाँ पे हम लोग तो नहीं करते, फिर उसका रिस्पॉन्स वो देते हैं उनको उस तरीके से, ये चीज़ें। तो बेसिकली पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे दुश्मनी की नहीं जाती, बल्कि चीज़ों को लेके आगे जाए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए चीज़ों को लेकर। अगर हम भी दुश्मनी करेंगे तो वो तो फिर खत्म हो जाएंगे एक दिन चीजें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अन्ना जी टॉक विद, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई जी? ठीक ठाक। नाम आपका? गोहरयो। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। जबरदस्त हो गया भाई, दुनिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? प्रॉपर्टी का काम करते हो आप, तो दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, दुबई के बारे में, अच्छा उसके बाद दुनिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? दुनिया माशाल्लाह से बिल्कुल सही चल रही है, जो लोग सही चलाना चाह रहे हैं अपने आप को उनके लिए दुनिया ठीक है, जो लोग नहीं चलाना चाह रहे उनके लिए दुनिया ख़राब है, शुरू से इसी तरह होता आ रहा है, आपको भी बेहतर पता है। अभी मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम आया हमारे सऊदी अरेबिया से, इस्लाम फैला ही सऊदी अरेबिया से है। अभी यूएई जो भी है वो भी अरब कंट्री में ही आती है, तो यूएई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है जिसे ग्रैंड मंदिर कहा जा रहा है, उस मंदिर के अंदर 21 टेम्पल होंगे जो के रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इंडिया के कल्चर को, क्या समझते हैं आपको यूएई के अंदर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना तो उधर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, देखे क़यामत भी तो आनी है ना, ये आखिरत की निशानी है, तो वो भी तो पूरी होनी है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा। तो वो बाकी आजकल आपको पता है गवर्नमेंट जो है हमारी कोई एक्शन नहीं सही से ले रही, ना हमारी पब्लिक ले रही है, वो लोग ही नहीं रह गए जो मतलब इस्लाम को लेके इतना सीरियस थे, आजकल तो नाम के रह गए लोग जो कहते हैं कि हम ये है बातों से, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी आपके सामने ही है। जो साहब आजकल गवर्नमेंट हमारी जो है उन्होंने इस कदर लोगों को बिजी कर दी है, उन्हें ये नहीं पता कि हमने खाना कहाँ से खाना है, उन्हें क्या पता हो गया ये हो रहा है ये हो रहा है, होश ही नहीं आने दे रहे आपके ये जितने सरकारी लोग हैं, ना उधर सियासतदान है, वो उसको गलत कही जा रहा है, वो उसको कही जा रहा है, आप कहाँ जाए लोग, ये गरीब लोग कहाँ जाए, उन्होंने रोटी के लिए आटे के लिए वो तरस रहे हैं लोग, उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, जिनके दो तीन बच्चे आजकल देखे खाली एक नान लेने चले जाए 30 रुपये का नान है, ठीक है, जो दिहाड़ी पे बंदा काम करता है वो नान खाएगा कि बिल देगा या देखेगा टेम्पल कहाँ बन रहा है क्या कुछ बन रहा है, तो ये आपको पता है साजिशें चलती आ रही है, तो उनकी साजिशें जो है वो अपनी साजिशों में कामयाब है, और हम मुसलमान जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हाँ रोटी 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 बस आपके सामने। बस ये भाई कहना चाह रहे हैं कि मैंने इनको कहा कि टेंपल बन रहा है, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान के जो मौजूदा सिनेरियो से यहाँ पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं, टेंपल्स की बात तो बाद में होगी, पहले रोटी पूरी होगी। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हर ईमान के रुकन है, इसी तरह से रोटी भी पेट भी इसी तरह रुकन है, यहाँ पर अगर पेट नहीं फुल होगा तो आप इबादत कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इबादत जो है वो अल्फाज, ये जो लफ्ज़ है ना इबादत का बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, ये नाम से कहते हैं जी हम ये काम कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हर एक बड़ा इजी कहने को बड़ा इजी होता है, अगर आप वाकई इबादत करें ना किसी भी काम को लेके, तो हमारा मुल्क ठीक हो जाए, हमारे लोग ठीक हो जाए, हमारा ईमान हर एक चीज़ ठीक हो जाए, हमने इबादत को एक सिर्फ लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के साथ जो रहा है जी हम इबादत कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, ये नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, काम ठीक अगर देखे काम वाकई इबादत समझ के सारे किए जाए ना, तो हमारा मुल्क इस कंडीशन में अभी नहीं होता।
जिस कंडीशन में अभी है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा भाई ने, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। बहुत आला।